बट अब क्या कहेंगे, आज पूरा देश गांधी जयंती की एक तरह से भक्ति में डूबा हुआ है, जयंती मनाई जा रही है, स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, और आप महिलाएं आप रोड पे हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? सबसे पहले मैं तो पूरे भारतवासियों को, हमारे भाई और बहनों को लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पे दिल से तहे दिल से महिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं जयंती के निमित्त सबको शुभकामना देना चाहूँगी। और जैसे कि आपने सवाल किया है, देखिए आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, उस इंसान की जयंती है जिनकी विचारधारा से ये स्वतंत्र भारत बना है, और इस स्वतंत्र भारत में हम तुम भाई बहन एकजुट होके अपनी जीवन शैली को बिता रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा 2014 से लेके आज तक की हमारी देश की जो हालत है, एक तरफ से 33% जो आरक्षण है वो आरक्षित किया जा रहा है हमारे पार्लियामेंट में भाजपा बीजेपी सरकार के अंतर्गत, और एक तरफ से मणिपुर में 150 दिन हो गए, मणिपुर में 150 दिन से हमारी महिला भगिनियों पे यहाँ पे वहाँ पे अन्याय अत्याचार हो रही है। ये जो गवर्नमेंट है ये फेल्ड गवर्नमेंट है, ये फेल हो चुकी है। ये जो आरक्षण है, हम इस आरक्षण का तो स्वागत करते हैं, लेकिन एक तरफ से जैसे हम मणिपुर को देखते हैं, हम जलता हुआ मणिपुर देखते हैं, हम जलते हुए उस महिला भगिनी को देखते हैं जिस पे अन्याय अत्याचार हो रहा है दिन ब दिन, उस मणिपुर को जब हम देखते हैं तो हमारे दिल में एक सवाल आता है कि ये 33% आरक्षण जो गवर्नमेंट के, जो बीजेपी गवर्नमेंट के माध्यम से हमें दिया जा रहा है, शायद ये हमारे लिए एक चॉकलेट की तरह है। एक तरफ से राजकीय माध्यम से हम लोगों को हम आरक्षित है ऐसा कह के हमारे उनकी खुद की जो राजकीय जो सुविधा है वो बनाई जा रही है, ताकि उनके लिए कुछ, जैसे मणिपुर के मुद्दे से लेके आज भारत बहुत ही मीन्स भारत ने बहुत एग्रेसिव भूमिका ली है। एक तरफ से भारत की जनता की दिशा भूल करने के लिए ये 33% का आरक्षण लगाया है, ऐसा मैं मानती हूँ। आपने देखा होगा कि ये जो आरक्षण है तकरीबन 33% से लेके 50% का आरक्षण ये कांग्रेस पार्टी ने खुद डिक्लेयर किया था, लेकिन जो अपोज में जो सरकार, अपोज में जो लोग थे, जो पार्लियामेंट मेंबर थे, उन्होंने इनको अपोज किया था कांग्रेस पार्टी को। लेकिन मानना पड़ेगा आज भी कांग्रेस पार्टी विरोधक में है सेंट्रल में, फिर भी आज गांधी जी की विचारधारा को लेके आज कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग को जो अप्रूवल दिया है, मैं उसका कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के साथ में जितने सारे विपक्ष नेते हैं, पक्ष है, दल है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। मैडम आप देखते हैं कि आज पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री क्या, मुख्यमंत्री क्या, आमदार क्या, खासदार क्या, सब रोड पर झाड़ू लेकर निकले हुए और कह रहे हैं कि हमको भारत को साफ करना है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि भाई तुम दिल को और दिमाग को साफ करो, महिलाओं के प्रति जो तुम्हारी भावना है उनका आदर करो, उनका आदर्श ये करो, आपकी सोच को साफ करो, वो सोच को जिस सोच से आपने 2014 से आज तक आपने इस पूरे भारत को आपने डुबो दिया है, आर्थिक रूप से, मान सम्मान के रूप से, अन्य रूप से आपने बेरोजगारी, महिलाओं के प्रति आपकी जो भावनाएं हैं जो आप दिखाते नहीं, लेकिन मणिपुर के एक हादसे से हम 150 दिन से हम देख रहे हैं, आपकी सरकार होके भी आप कुछ कर नहीं पा रहे, इसका मतलब ये सब किया जा रहा है, ये आपके माध्यम से डायरेक्ट इनडायरेक्टली किया जा रहा है। मैडम आपको लगता है कि पहले जो भी हमारे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती थी उससे हम प्रेरणा लेते थे, क्या आपको लगता है कि आज की जयंतियों में हमें कहने के राजनीति का स्वरूप बदल रहा है, राजनीति हो रही है? राजनीति का स्वरूप बिल्कुल ही बदल रहा है। आपने देखा कि राजनीति का स्वरूप जिस तरीके से बदल रहा है, इस पे एक जो विचित्र प्रकार का जो वातावरण बीजेपी के माध्यम से पूरे भारत देश में रचाया जा रहा है, इसके विरोध में आदरणीय राहुल गांधी जी रोड पे उतरे हैं। वो इंसान रोड पे उतरा है, एक राजा कहलाता है, इस भारत देश का एक लीडर कहलाता है। आज वो सारी अच्छी घर गृहस्थी संसार पूरा उसका छोड़ के आज वो व्यक्ति आज रस्ते पे हमारे आपके लिए उतरे हैं। ये इसके लिए उतरे हैं कि जो नीतिमत्ता, जो विचित्र नीतिमत्ता आज भाजपा सरकार इस भारत देश में चला रही, उसको रोकने के लिए और हमारे जैसे आपके जैसे सर्वसामान्य लोगों को न्याय दिलाने के लिए। मैडम आज पूरे देश के अंदर हम समझते हैं कि 50% महिलाएं जो मतदान का अधिकार रखती हैं, आने वाले समय में 4 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव भी आने वाले, विधानसभा के चुनाव आने वाले, तमाम महिलाओं को कुछ संदेश देंगी आप इस शुभ अवसर पर? बिल्कुल मैं देना चाहूँगी। देखो संदेश तो दो प्रकार के मेरे इसमें है कि ये जो पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लोकसभा का जो आरक्षण आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए 33%, ये तो कांग्रेस के ज़माने से ही चल रहा था। आज कांग्रेस विपक्ष में होके भी कांग्रेस ने आज साथ दिया है, इसलिए इसका इस चीज़ को समझते हुए आज भी कांग्रेस के साथ महिला भगिनी ने रहना चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस एक
सिर्फ पक्ष नहीं है, कांग्रेस वो विचारधारा है जो हम जैसे कॉमन लोगों को एक स्वतंत्रता देती है, एक स्वतंत्र में जीने के लिए सिखाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा है स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता को आज वो चला रही है, हमको उनके साथ रहना है। दूसरी बात है कि मुझे बेहद ही दुख हुआ, आपके मीडिया के माध्यम से मैं आज इस अवसर पर कहना चाहूँगी कि MIM के हमारे इस जिले शहर के खासदार आदरणीय हमारे भाई इम्तियाज़ अलील भाई ने बोला कि भाई वो आरक्षण के ख़िलाफ़ है, और हमारे OIC साहब ने भी बोला कि आरक्षण के ख़िलाफ़ है। मैं उन दोनों का भी आपके मीडिया के माध्यम से जाहिर निषेध करती हूँ कि उन्होंने इस आरक्षण के खिलाफ हो रहे हैं। मैडम, जहाँ तक मैं पत्रकार हूँ, मैंने उनसे बातचीत किया था, उनका कहना है कि उसके अंदर मुस्लिम महिलाओं को कोठा दी जाए, उनका ये तर्क था। बिल्कुल बिल्कुल दिया जाए। देखिए, बात मुस्लिम, मराठा, हिंदू और ऐसी महिलाओं की नहीं है। जहाँ महिला आती है वहाँ पे जो 33% का आरक्षण आप लोगों ने दिया है, BJP ने दिया है, पूरे जो विपक्ष के पक्ष है, दल है, उन्होंने सब ने मिला के जो दिया है उसमें आरक्षण होना चाहिए। ख़ास तौर पे जैसे हम SC ST NT की महिलाओं के लिए रखते हैं, ख़ास तौर पे हमारी जो महिलाएँ हैं जो कि मुस्लिम महिलाएं, उनको भी खास तौर पे वहाँ पे देना चाहिए। बस उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति जो वो व्यक्त कर रहे थे इस बारे में, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए थे कि ताकि हमको भी समझे। जी थैंक यू। आपका नाम बोलिए। मैं दीपाली मिसा हूँ, सब शहर जानता हूँ, मैं यहाँ की शहर महिला जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा हूँ। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
चलो अंदर। यहाँ से ले, यहाँ से तो आगे जा थोड़ा, देख यहाँ से काम कर, यहाँ से लेके ऐसा करके। सरी चल जाए अखिल भारतीय प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी है।